अभी आपके ये चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है सेंटेंस, तो मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस क्या होता है, किसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, है ना। तो आपको सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस जो होते हैं उसके क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको उसमें सेंटेंस जो फ्रेम करते हैं, तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए रिमेंबर पॉइंट्स बताए थे कुछ, कि एक सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, और उसके एंडिंग में क्या यूज़ करना होता है, आपको फुल स्टॉप यूज़ करना होता है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना होता है। तो ये कैसे हम जानेंगे कि किसमें हम फुल स्टॉप लगाएं, किसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और किसमें हमको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमको कौन सा साइन यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दिया रखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम और क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, जो जिसमें सिंपल सी बात कही गई हो उसे हम बोलते हैं असर्टिव या फिर स्टेटमेंट। अब इसका एग्जांपल दिया रखा हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल क्या है, आई एम गोइंग टू मथुरा, मैं मथुरा जाता हूँ। तो ये क्या है, एक सिंपल सी बात कही गई है, तो इसको एंड में हमें इसमें क्या यूज करना होगा, फुल स्टॉप, ठीक है, क्या यूज करना होगा, फुल स्टॉप। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमें फुल स्टॉप यूज करना होता है। सेकंड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसे और क्या कहते हैं, क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, Have you found the book? अब क्वेश्चन का मीन्स क्या होता है, प्रश्न, ऐसा वाक्य जिसमें जिसे बोलने पर हमें ऐसा लग रहा हो कि हमसे कोई प्रश्न किया गया है, हमसे कोई प्रश्न पूछा गया है, उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे इसमें बोला गया है, Have you found the book? क्या आपको किताब मिली? अब क्या किया है, मैंने आपसे प्रश्न किया है ना कि क्या आपको किताब मिली, तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि हाँ मुझे मिली किताब, या फिर मुझे वो किताब नहीं मिली, है ना। तो आप जवाब देंगे ना अगर मैं इसका प्रश्न करूँगी, लेकिन ऊपर जैसे मैंने बोला था आई एम गोइंग टू मथुरा, मैं मथुरा जा रही हूँ, तो क्या इसमें कोई प्रश्न बन रहा था, नहीं बन रहा था। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, और ये क्या है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आपको क्या यूज करना होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या है ये इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, क्या कहते हैं इसको, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो उनको बोलने पर या उनको सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे आदेश दिया जा रहा है। अब इसमें आपके तीन प्रकार के आ जाते हैं, तीन प्रकार के सेंटेंस आने रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रार्थना की जाती है, वाक्यों को बोलने पर ऐसा लगता है कि प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना का मतलब है जैसे रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से, अगर हमको कुछ लेना है तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, है ना। और क्या होते हैं आपके ऑर्डर, वो कमांड, इसमें ऑर्डर या फिर कमांड दी जाती है, जैसे कि मैंने बोला शर्ट धो, दरवाजा बंद करो, तो इसमें मैंने क्या किया है, कमांड दी है, आदेश दिया है। और क्या होता है आपका एडवाइस होता है, इसमें एडवाइस का मीन्स क्या होता है, सलाह देना किसी को। जैसे मैं बोलती हूँ कि बच्चों को मैंने बोला कि राइट प्रॉपरली, कैसे लिखो, ठीक से लिखो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी एडवाइस। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें थ्री टाइप्स के सेंटेंस होते हैं आपके, है ना। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, कृपया अपना काम कैसे कीजिए आप, उचित रूप से कीजिए, ठीक है। तो ये प्लीज कर रहा हुआ था, तो ये किस टाइप का है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन कैसा है ये, रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट हुई है। सेकंड क्या है, शट द विंडो नाउ, अब खिड़की बंद कर दो, तो इसमें क्या है, कमांड दी गई है, कैसा लग रहा है ये हमें, कमांड, ठीक है। तो ये है रिक्वेस्ट वाला आपका,
इसमें रिक्वेस्ट की गई है सेंटेंस में और इसमें क्या दी गई है कमांड दी गई है, ऐसे ही आपका एडवाइस वाला होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो किसमें आते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब जैसे इसको और क्या कह सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो सेंटेंस होते हैं इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका है कि ये जो स्टार्टिंग होती है इन सेंटेंस की वो किससे होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस था यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हो रहा था पहले, है ना, यहाँ पे किसी को बताया गया था। अब ये है इधर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है आपका, मैन वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ से प्लीज को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं तो ये भी देखिए आपको किससे स्टार्ट हो रहा है, डू योर वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर डू से स्टार्ट हो रहा है। तो डू क्या है आपकी एक्शन वर्ब है, ऐसे ही शर्ट जो है वो भी क्या है एक्शन वर्ब है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, एक्शन वर्ब से, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके एंडिंग में भी हमें क्या यूज करना होता है, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो आश्चर्य प्रकट हो या फिर मतलब हमारे जो भाव है वो अचानक से उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हमने कोई भी अच्छी न्यूज सुनी तो वो उसके बारे में हम पहले से क्या थे, हमने पहले से उसके बारे में नहीं पता था कि हमारे पास कोई अच्छी सी न्यूज आने वाली है, और अच्छी सी जब न्यूज सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं वाओ, या फिर हमें किसी ने गिफ्ट दिया हमको उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो हमें क्या देगा, कोई गिफ्ट देगा और हम क्या बोलते हैं वाओ व्हाट अ सरप्राइज बोलते ना इस तरह के, तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाओ ये कितना सुंदर फूल है। तो ये क्या है अचानक से भाव को प्रकट कर रहा है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है साइन यूज करना होता है वो क्या है, ये वाला साइन, ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा।